वृंदावन भगवान का हृदय स्थल है जहाँ ठाकुर जी प्रिया जी का मिलन होता है। तो आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि ये वाली कुंजगली हमको देखने के लिए ना मिले। आप इस वीडियो में ही आप इस कुंजगली को अपने हृदय में बसा सकते हैं। जय हो श्री राधा वल्लभ लाल की जय। तो भैया आप सभी का स्वागत है। स्वागत से पहले तो सबसे पहले आप खुशखबरी सुनिए कि जो हमारी डॉक्यूमेंट्री बनी थी ना पूरे घर के ऊपर, अपने डॉक्यूमेंट्री बनी थी आज से लगभग 2.5 महीने पहले, जिस समय मतलब मेरा यज्ञ पवित्र हुआ था ना उसके बाद ही बनी थी। और वो डॉक्यूमेंट्री का ट्रेलर जो है अब रिलीज हुआ है, तो अब सोच रहे हैं हम आप सभी को उस ट्रेलर को दिखाएं। तो हम आप सभी को उसके बारे में हम थोड़ा सा बता दें कि लगभग आज से 2.5 महीने पहले अपने इंस्टाग्राम पर किसी का एक मैसेज आया, जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर हैं अरुणेश कृपाल जी। तो उनका मैसेज आया तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे अपन को डॉक्यूमेंट्री बनानी है, जो कि मतलब वृंदावन में रहने वाले ब्रजवासी के ऊपर ये डॉक्यूमेंट्री रहेगी कि तीर्थ पुरोहित का वृंदावन में जीवन कैसा है। और ट्रेलर के साथ साथ अपने भैया की जो शादी हुई थी ना, तो उसमें भी उनकी टीम आई थी, मतलब भैया की शादी जो है डॉक्यूमेंट्री में आ रही है, तो उसको भी आप देखना। 1 घंटे की पूरी फिल्म तो रिलीज होगी लगभग 1 महीने के बाद। हम आपको अभी छोटा सा एक ट्रेलर दिखा देते हैं, और ट्रेलर सबसे पहले आप देखो और उसके बाद हमें बताना कि आपको कैसा लगा। तो इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म का जो ट्रेलर है वो अपवर्ड चैनल पर डला हुआ है और अब हम इसे री अपलोड कर रहे हैं। तो चलिए आपका ये ट्रेलर शुरू होता है अब। वृंदावन भगवान का हृदय स्थल है जहाँ ठाकुर जी प्रिया जी का मिलन होता है। तो भैया हमें तो यही बनना हो शुरू थे। बचपन में जब पापा को देखते यजमान के संग घूमते फिरते, तो मन में लगता कि ठाकुर जी की सेवा के लिए जाते अच्छो तो कोई काम नहीं है। प्रभु जी ने सब अभी मीरा भाई है, निधुवन है, तो चलो बता लाऊंगो, लीला बता लाऊंगो है, बताओ। देखो अब सब ऐसे ही करेंगे, बताए तो हमारा क्या होगा। अब हर कोई अपने बच्चन को डॉक्टर इंजीनियर यानी काका बनावे में लगे भाई हैं। तो आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि ये वाली कुंजगली हमको देखने के लिए ना मिले। आप इस वीडियो में ही आप इस कुंजगली को अपने हृदय में बसा सकते हैं। क्या जो श्रद्धालु लोग हैं वो यहाँ 4 लेन देखने आते हैं, या वो ब्रांडेड रेस्टोरों के लिए वृंदावन आते हैं? उसके लिए नहीं आते। उसके मूल में कृष्ण संस्कृति है जिसके लिए आ रहे हैं। यह बात ऐसी है, देखो परदेसी के सामने गाइड और ड्राइवर लेट नहीं होना चाहिए, ये नियम है। एक तो आप जानते ही हैं, एक भाई ब्लॉगर है, हम दो यजमानी का कार्य करते हैं, लेकिन अब वो उसके ऊपर है करे करे नहीं करे, लेकिन हमको तो खुद को यही करना है संपूर्ण जीवन। तो ट्रेलर आपने देख लिया, कैसा ट्रेलर लगा आप सच में कमेंट करके बताना, और इस ट्रेलर को इस वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर करना ताकि 1 घंटे की जो फिल्म है वो अच्छे से रिलीज हो सके। तो भैया इस मूवी के लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अरुणेश कृपाल जी जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, और इस चैनल को भी धन्यवाद करूँगा जिन्होंने ये ट्रेलर रिलीज़ किया, जो कि अपवर्ड संस्था ने किया है। दरअसल 7 दिन हो गए हैं अपन को, एक भी व्लॉग नहीं डाला है अपन। तो भैया व्लॉग इसलिए नहीं बन पा रहे क्योंकि वृंदावन में बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, और ठाकुर जी के उत्सव बाहर साइड जो हैं कम हो रहे हैं, इसलिए जाना नहीं हो पा रहा है। मगर जब भी हम जाएंगे तो हम आप सभी को दर्शन जल्द से जल्द कराएंगे। और एक दूसरा कारण भी है, जो कि जो मेरा फ़ोन है उसका बैटरी बैकअप भी ठीक नहीं चल रहा है, और उसके साथ साथ स्टोरेज की भी शॉर्टेज चल रही है। तो भैया निर्जला एकादशी वाले दिन बहुत सुंदर एक ब्लॉग बनाएंगे, जिसमें सेवा कुंज में और राधा वल्लभ जी में नौका विहार होगा श्री जी का, उसमें आप खूब दबा के आनंद लेना, इतना आनंद आएगा सोच लो। और जितने भी आपने व्लॉग देखे हैं वो तो चलो देखे ही हैं, मगर उससे भी ज़्यादा आनंद आएगा नौका विहार वाले व्लॉग में, कैसे नीला नीला पानी सेवा कुंज में भर रहा है, कैसे राधा वल्लभ जी में नीला नीला श्री जी के समीप पानी भर रहा है, उसमें नौका चल रही है श्री जी की, परम आनंद बरसेगा उस दिन। ठीक बैठ जा, अभी भी मौका है।
चलिए भैया इस वीडियो को भी एंड करते हैं और जल्दी मिलेंगे हम आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी को राधे राधे, श्री हरिवंश।